दोस्तों स्वागत है हमारे YouTube चैनल में आपका। दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे, आपको बताएंगे मैक माई ट्रिप से बस टिकट कैसे बुक करते हैं ऑनलाइन अपने मोबाइल फ़ोन से। वही इस वीडियो में आपसे बात करेंगे, तो आप इस वीडियो में बने रहिए। दोस्तों मैक माई ट्रिप से बस टिकट बुक करने के लिए सबसे पहले तो आप गूगल पर आ जाइए, गूगल पर सर्च कर लीजिए मैक माई ट्रिप। मैक माई ट्रिप सर्च करने के बाद ऑफिशियल लिंक के ऊपर क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद आपके सामने मैक माई ट्रिप का ऑफिशियल होम पेज ओपन होकर आ जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हो बस टिकट बुक करने के लिए आपको यहाँ पर जो है पहली वाली लाइन में पहले वाला ऑप्शन देखने को मिल रहा है फ़्लाइट्स का। उसके नीचे वाली लाइन में देख सकते हो सेकंड नंबर की लाइन में पहले वाला जो ऑप्शन है वो एयरपोर्ट कैब्स का है, उसके बाजू में होम स्टे का है, उसके बाजू में बस का है। दूसरी लाइन में तीसरे नंबर का ऑप्शन है बस का, उसके ऊपर क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन होकर आ जाएगा। अब यहाँ पर लिखा हुआ है इंटरसिटी, आपको फर्स्ट वाले पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आप कहाँ से बस पकड़ोगे उस जगह का नाम डाल लेना, आप कहाँ से जाना चाहते हो बस पकड़ के आपके एरिया का नाम आप डाल लीजिए। जैसे मैं जाना चाहता हूँ मुंबई से, तो मुंबई से मैं जाना चाहता हूँ नासिक, तो मैं पहले मुंबई डाल लिया हूँ, नीचे नासिक डालूँगा। आप अपने हिसाब से डाल लीजिए। उसके बाद डेट सेलेक्ट कर लीजिए जिस भी डेट पर आपको जाना है। मुझे जाना है लगभग से 27 मई 2023। आप अपने हिसाब से डेट सेलेक्ट कर लीजिए, डन पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद सर्च बस की बटन पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर पहली वाली जो है वो जो है एसटी बस का, उसे छोड़ देना है। यहाँ पर देख सकते हो अलग अलग ट्रैवल एजेंसी का नाम देखने को मिलेगा, अलग अलग टाइम पर जाती है ये देखने को मिलेगा, और प्राइस भी अलग अलग आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहले तो मैटर करता है आपको किस टाइम पर जाना है और किस प्राइस में जाना है। आपको अगर सस्ते वाली जाना है तो आप देख सकते हो मॉर्निंग का भी बस है यहाँ पर, और नीचे आओगे तो आपको अलग अलग बस देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हो मेरे को जो जाना है मॉर्निंग में जाना है, मॉर्निंग का जो प्राइस दे रहा है यहाँ पर 600 रुपया नीता टूर्स एंड ट्रैवल्स का। 5:45 की है, 6 घंटा लेगी ये, यानी 11:45 पर छोड़ेगी। 600 रुपये इसका प्राइस है। नीचे आ जाते हैं, नीचे देख लेते हैं एक जिंग बस देखने को मिल रही है। देख सकते हो भारत बेंच एसी सीटर है 2x2, सुबह में 7:15 के 5:10 बाद ये हमें छोड़ देगी। 574 रुपये प्राइस है इसका। अब यहाँ पर देख लेते हैं और कोई है क्या, आपको भी इसी तरीके से ढूंढ लेना है। ढूंढने के बाद मुझे जाना है 5:45 वाली पे, तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर लूँगा। आप अपने हिसाब से क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद सीट सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर जो भी ग्रे कलर की सीट रहेगी वो ऑलरेडी बुकड रहेगी, और यहाँ पर पर्पल कलर की जो सीट रहेगी वो लेडीज़ सीट रहेगी, याद रखिए। और यहाँ पर आपको जो वाइट कलर की दिख रही है तो आप उसके ऊपर सेलेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पर देख सकते हो 600 वाली जो भी है सब नीचे है, ऊपर आ जाते हैं तो अलग अलग प्राइस देखने को मिलता है। जैसे 650 है, 600 है। आप जिस बस पे भी क्लिक करोगे उसमें आपको अलग अलग सीट का अलग अलग प्राइस देखने को मिलेगा, याद रखिए आप वो। मैं यहाँ पर एक विंडो सीट ले लेता हूँ, उसके बाद मैं नेक्स्ट की बटन पे क्लिक करूँ। आप 2 लोगों, 4 लोगों, 6 लोग हैं तो आप ऐसे ऐड कर सकते हो। सिंगल हो तो सिंगल रखना है, उसके बाद नेक्स्ट की बटन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आप मुंबई में कहाँ से बैठोगे या आप अपने एरिया में कहाँ से बैठोगे उसे जगह का नाम डाल लेना है। जैसे मैं बैठूंगा अंधेरी से, मुझे जाना है मुंबई नाका, तो मैं अंधेरी सिलेक्ट कर लियूँ। अब ड्रॉपिंग पॉइंट में मैं मुंबई नाका सिलेक्ट कर लियूँ। आप अपने हिसाब से कहाँ पर बैठोगे, कहाँ पर उतरेगे वो आपको डाल लेना है। उसके बाद ऊपर डिटेल आ जाएगी, पढ़ लेना है। उसके बाद यहाँ पर नाम डाल लेना है, आधार कार्ड पर जो नाम है वही डालना है। उसके बाद एज डाल लेना है, मेल फीमेल सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर ईमेल आईडी डाल लेना है, मोबाइल नंबर डाल लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अगर जीएसटी डिटेल वगैरह कुछ भरना है तो आप यहाँ पर जो है क्लिक करके जीएसटी डिटेल वगैरह भर सकते हो। यहाँ पर लॉगिन करके ऑप्शन दिया हुआ रहता है, पूरा क्लिक करके आप भर सकते हो। ये नीचे आया देख सकते हो यहाँ पर जीएसटी का, अगर आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको जीएसटी नंबर वगैरह डाल के भरना पड़ेगा। है तो टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा, नहीं है तो फिर छोड़ देना है। अभी यहाँ पर हम आ जाते हैं, यहाँ पर आपको करना क्या है, अगर मोबाइल से लॉगिन करना है तो लॉगिन कर सकते हो, नहीं तो फिर नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपको अलग अलग कोड देखने को मिलेगा, आप कोड अप्लाई कर सकते हो, आपको कुछ ना कुछ ऑफ मिल जाएगा। हम यहाँ पर देख लेते हैं क्या ऑफ़ मिला है हमें, 699 बता रहा है, इधर बता रहा है 637 रुपये। अब यहाँ पर ऑफ़र में हमें
₹13 का ही ऑफ मिला है। आपके पास अगर कोई कूपन कोड होगा तो डालकर आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद इंश्योरेंस लेना है तो ले सकते हो, नहीं तो फिर नो पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद नीचे प्राइस बता रहा है ₹637, देख सकते हो। नेक्स्ट की बटन आ गए, उसके ऊपर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्या दे रहा है, नेक्स्ट की बटन पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन होकर आ जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हो आप जो है पेमेंट कर सकते हो, गूगल पे से, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड वगैरह से आप पेमेंट कर सकते हो बआसानी। ज़्यादा अच्छा होगा UPI वाला ऑप्शन ले लीजिए। उसके बाद आप अपनी UPI ID डाल लीजिए। जो भी UPI ID आप गूगल पे खोलोगे वहाँ मिल जाएगी, या फिर आप फ़ोनपे खोलोगे वहाँ पर आपको मिल जाएगी। उसके बाद वेरीफाई एंड पे पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो प्राइस आपको थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलेगा, लेकिन जो आपका टिकट का प्राइस है उसमें टैक्स वगैरह एक्स्ट्रा लगता है, याद रखिए। तो आपको जो है थोड़ी महंगी टिकट पड़ेगी, यानी अगर यहाँ पर 637 की बता रही थी तो उसमें टैक्स वगैरह कुछ 50-60 रुपये लगेगा। उसके बाद जो भी अमाउंट रहेगी वो फाइनल अमाउंट का मैसेज आपको आ जाएगा, देख सकते हो। 669.50 रुपये का मैसेज आ गया हमें, देख सकते हो यहाँ पर। तो हम पे की बटन पे क्लिक कर लेंगे। आप भी इसी तरीके से पे की बटन पे क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद आप डायरेक्ट गूगल पे या फ़ोन पे पर चले जाओगे पेमेंट करने के लिए। पे पर क्लिक कर लेना है, फिर से एक बार पे पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको अपना UPI PIN डाल लेना है। UPI PIN डालने के बाद आपकी बैंक से अमाउंट कट हो जाएगी, आपका टिकट कन्फर्म बुक हो जाएगा, आपके मोबाइल नंबर पर मैसेज आ जाएगा, आपके मेल पर PDF फाइल आ जाएगी बुकिंग की, और आपको ट्रैवल एजेंसी की तरफ से फ़ोन आ जाएगा, ड्राइवर का नंबर और आपको जो है बस नंबर वगैरह वो दे देंगे बआसानी। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। और हाँ, कमेंट में जरूर लिखे ओके जय हिंद।